आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। सिद्धार्थनगर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने और उनके मकानों को क्षति के मुआवजे की मांग को लेकर सदर तहसील के बाढ़ पीड़ितों ने क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में सपाइयों ने सरकार की जबरदस्त आलोचना की। पूर्व विधायक विजय पासवान ने मांगी नहीं पूरी होने पर आगे बड़े आंदोलन की धमकी भी दी। कुल भाई बिलाई गई खाना पीना कुल लोलर जैसा बन ये सिक्योरिटी ये नेपाल ये सब प्रधान मिलके एकदम सारा गल्ला पानी सब खा लेते बाटे, कुछ भी नहीं बंटवाओ तो कौन चीज नहीं देते बाटे। एक लिए हर चीज जहाँ कहिए तहाँ समाज के अंदर खड़े होकर बात कर। पैसा लिए आपसे? पैसा हमसे मांगे हैं, पैसा नहीं दिए हैं। जिसको पैसा लिया उसी के दस चुनाव डाले, जिसको पैसा न दिया उसको मुख में नहीं दिया है। हमारा काम दर्शना है, समाज का नाम प्रदर्शन होगा क्या इसमें? ये तो आप लोग भी हमारे जिले के ही हैं, जब से बाढ़ आया है तबाही मचा है, आप लोग भी देख रहे हैं समस्या जो है। आप लोग भी गए होंगे, हम लोगों ने बाढ़ में 12-15 दिन बाद पूरा क्षेत्र में गए जहां बहुत ज्यादा बाढ़ था। 4-4 दिन से लोग छत पे बैठे थे, खाना तक नहीं पाए थे, और वहां के लोग कहते थे कि अभी तक कोई लेखपाल नहीं आया। और मान लो थोड़ा बहुत बंटवाना भी शुरू किए, यहाँ के मंत्री और यहाँ के प्रशासन लोग जाके एक गठरी 4 गठरी दे के पूरा फोटो खिंचा लिए, और वो कह रहे हैं कि पूरा सब तरफ बाढ़ राहत बढ़ रहा है, लेकिन सब पूरा झूठा है। और अभी भी जो बहुत से घरों में है शिकायत आ रहा है कि लोग इन्हीं बड़े अधिकारियों के इशारे पे काम हो रहा होगा। ये सरकार के लोग प्रतिनिधि अगर टाइट होते, इस तरह भ्रष्टाचार नहीं होता। ये लोगों ने वहां पे जाके 100 रुपया 200 रुपया वसूली के नाम पे धनुवाई कर रहे थे। जो लोग दे दिए पैसा उनका हो गया, जो नहीं दिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं। आज कई दिनों से हमारे पास इस क्षेत्र की जनता कचार बेल्ट के आके महिलाएं सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मिट्ठू यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 141 बीडीसी सदस्यों में से 74 बीडीसी सदस्यों ने उनके खिलाफ मतदान किया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों 98 बीडीसी सदस्यों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग, जिसके लिए डीएम ने आज का दिन निर्धारित किया था। मिट्ठू यादव डुमरियागंज विधानसभा से सपा चुनाव लड़े, चिंकू यादव के पिता हैं और सपा सरकार में काफी प्रभावशाली रहे। शायद यही वजह है कि डुमरियागंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के पास भेजा था, तथा राज्यपाल से इस बात की शिकायत भी की थी कि सत्ता पक्ष का दबाव बढ़ रहा है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डुमरियागंज के SDM का कहना है कि कुल 141 BDC सदस्यों में से 74 BDC सदस्यों ने अविश्वास के पक्ष में मतदान किया है। क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज बैठक थी। कुल 141 सदस्य जिसमें से 74 लोग उपस्थित आए और उन्होंने मतदान किया, मतदान भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। हाँ, हो गया। आधे से अधिक होना चाहिए, 141 में 71 होना चाहिए, 74 थे।